हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अभी हो रहा है मॉर्निंग टाइम और मैं जा रही हूँ अपने काम में लगने। तो अभी कई दिन से ना क्या था कि मेरा वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं आ पा रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि ना एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, ऊपर से टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। और ये पूरा हफ्ता ना दौड़ भाग में ही निकल गया, क्योंकि दो बार तो मुझे हॉस्पिटल ही जाना पड़ गया। तो ना फिर मेरा मन ही नहीं हुआ कुछ भी रिकॉर्ड करने का। और हॉस्पिटल में जाओ ना तो वहाँ पे क्या रिकॉर्ड करो क्या कुछ समझ नहीं आता, ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड करने वाला सब होता नहीं है। फिर नहीं किया, फिर बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। तो मैं कहा चलो आज मैं अपना मॉर्निंग से ही ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो चलिए फटाफट से अपना लग जाते हैं काम में। तो सबसे पहले अपने किचन में झाड़ू पोछा लगा लूँगी और बाकी जगह में तो बाद में लगाऊँगी, क्योंकि अभी सब कोई सो रहा है तो वहाँ नहीं लगाऊँगी, पहले किचन में ही कर लूँगी। क्योंकि बाकी काम तो मैं कर लेती हूँ लेकिन झाड़ू वगैरह काम नहीं करती हूँ। तो चलिए मैं पहले लगा लेती, देखिए हो रखी झाड़ू, तो झाड़ू ही लगाने जा रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स फटाक से मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए अभी जा रही हूँ सबसे पहले लगाने झाड़ू। तो चलिए फटाफट से लगा लेते हैं किचन में अपने झाड़ू। मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आ गई हूँ किचन में, झाड़ू वगैरह मेरी लग गई है, पोछा भी लग गया है मेरा। तो अभी आ गई हूँ मैं सीधा किचन के अंदर। तो रात को ना मैंने भिगो दिए थे छोले, क्योंकि काफ़ी टाइम से रखे हुए थे, बनाना था मुझे, बट वही था कि मैं रात में इनको भिगोना भूल जाती थी। और फिलहाल अभी मैंने जो है भिगो दिए थे कल शाम को ही याद करके। तो अभी जा रही हूँ इनको बॉयल करने के लिए। तो सबसे पहले चढ़ा दूँगी, छोले बॉयल हो जाएंगे। और फ्रेंड्स अभी जो मेरे छोले हैं ना वो बॉईल हो गए हैं, तो अभी जा रही हूँ बनाने चावल। चावल बनाने के लिए चढ़ा दूँगी सबसे पहले पानी, जिससे कि पानी जो है मेरा अच्छे से गर्म हो जाए। और चावल मैं कुकर में नहीं बनाती हूँ फ्रेंड्स, मैं भगोने में बनाती हूँ, मुझे ज़्यादा ठीक लगता है भगोने में बनाना। और इधर जब तक मेरा पानी गर्म होगा ना तब तक मैं इधर से पानी भर लूँगी, मोटर चला रखी है, क्योंकि जो खाना है ना मैं टंकी के पानी से नहीं बनाती हूँ फ्रेंड्स। मैं खाना बनाने के लिए मैंने दो बाल्टियाँ रखी हुई है, उसी में भर के रख लेती हूँ पानी और उससे ही मैं खाना वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि टंकी के पानी से मेरा मन नहीं भरता है। तो इसीलिए मैं बाल्टी में भर के रख लेती हूँ, उसी से खाना बनाती हूँ। और बाकी बर्तन वगैरह जो है उसको उसके लिए मैं टंकी का पानी यूज कर लेती हूँ, सब्जियाँ वगैरह धोना हुआ, बर्तन धोना हुआ, बट जो खाना बनाने का है उसके लिए भी इन्हीं बाल्टियों में भर के रख लेती हूँ। तो चलिए फटाफट से भर लेते हैं पानी, आप लोग देखिए वीडियो। अभी मैंने पानी भर लिया है और जस्ट मेरा जो चावल था वो मुझे डालना था, पानी भी गर्म हो गया था। तो अभी मैंने चावल धोकर अच्छे से, ये देखिए अभी मैंने चावल डाल दिए हैं। और चावल फ्रेंड्स भगोने में ही बनाना चाहिए, कहते हैं वो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। और तो ये देखिए अभी मैंने चावल डाल दिए, और पता है मुझे भगोने के चावल अच्छे भी लगते हैं। और हालांकि बनाने वाले बनाते हैं कुकर में, बट मुझे कुकर में नहीं अच्छा लगता, मुझे भगोने में ही अच्छा लगता, थोड़ा टाइम लगता है फ्रेंड्स वो ठीक है। और ये देखिए अभी मेरे छोले भी बन गए, जो बॉईल होने के लिए रखे थे वो भी हो गए हैं। तो अभी मैं इनको अलग से ट्रांसफ़र कर लूँगी, और क्योंकि अभी इनमें लगाना है तड़का। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कौन कौन इस तरीके से छोले बनाता है, क्योंकि कुछ लोग डायरेक्ट ही तड़का लगा देते हैं, उबालते नहीं हैं पहले। तो मैं तो फ़िलहाल पहले बॉईल कर लेती हूँ, उसके बाद ही इसमें छौंका लगाती हूँ। और ये देखिए बॉटल्स भी भर ली है मैंने सारी, और बॉटल्स को भरने के बाद लगा दूँगी फ्रिज के अंदर, जिससे कि पानी मेरा जो है अच्छे से ठंडा हो जाए। और अब आती है बारी चाय की, तो देखिए सबसे पहले कर लूँगी दूध गर्म। और तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं काम, आप
वरना ना क्या है, धूप हो जाएगी, धीरे धीरे धूप तेज़ हो जाती है और फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है किचन में, तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट अपना काम। फ्रेंड्स ये देखिए तैयारी मैंने पहले से कर ली है, हरी मिर्च कट करके रख ली है, कड़ी पत्ता है, तेज पत्ता है, अदरक है, जीरा, हींग, ड्राई मसाले हैं मेरे, बेसिक मसाले जो होते हैं वही हैं, और टमाटो पेस्ट जो बना के रख लिया था मैंने, और चाय पत्ती का पानी। तो सबसे पहले मैंने कुकर चढ़ा दिया है, डाल दिया उसमें मस्टर्ड ऑयल, और मस्टर्ड ऑयल गर्म हो गया तो उसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 पिंच हींग और अपना जो जीरा है वो। जीरा और हींग डालने के बाद मैंने डाल दिया है उसमें हरी मिर्च कटी हुई और तेज पत्ता। इन सबको डालने के बाद जब ये हल्का सा हो गए, फ्राई हो गए, तब इसमें मैंने ऐड कर दिए क्या, जो अदरक मैंने कद्दूकस करके रखी थी और कड़ी पत्ता। इनको हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है बिल्कुल। और उसके बाद डालने के बाद ये देखिए मैंने जो टमाटर का जो पेस्ट बनाया था वो मैंने डाल दिया, और जो उसके अंदर जो लगा हुआ थोड़ा सा टमाटर पेस्ट था मैंने वो भी धोकर डाल दिया है इसके अंदर, जिससे कि हमारा वेस्ट ना हो बिल्कुल भी। और उसके बाद डाल दिए अपने बेसिक ड्राई मसाले, तो इसमें मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, छोले मसाले और थोड़ा सा लिया था कश्मीरी मिर्च, जिससे कि कलर अच्छा आ जाए हमारे छोलों का। तो ये सब चीज़ें डालने के बाद ये देखिए मसाला मेरा अच्छे से भुन चुका है, ऑयल छोड़ने लगा है। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपने छोले, जो कि मैंने पहले से ही उबाल के रखे थे फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और रेसिपी कैसी लग रही है मेरी आज की ये भी बताइएगा। तो अभी फटाफट से मैंने मिक्स कर दिया है मसालों में अपने छोले, और डाल दूंगी इसके अंदर जो मैंने चाय पत्ती का पानी तैयार किया था। आप चाहें तो पोटली बनाकर बॉयल करते समय ही डाल सकते हैं फ्रेंड्स। और अब इसके बाद डाल दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक डालने के बाद हम कुकर का ढक्कन लगाकर हम इसे 3 से 4 सीटी आने तक पकाएंगे। और ये देखिए अभी हमारे जो छोले हैं बनकर रेडी हो गए हैं, तैयार हो गए यम्मी यम्मी से छोले। फ्रेंड्स बताइएगा आज की रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी हो ना तो एक लाइक तो बता है ना फ्रेंड्स, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अभी आ जाइए, थाली तैयार है, बिल्कुल सिंपल थाली है, छोले हैं, चावल है, रोटी है, छाछ है, और है थोड़ा सा चुकंदर का सैलड, क्योंकि और कुछ नहीं था, सैलड मेरा ख़त्म हो गया था अभी। तो अभी फ़िलहाल जो चुकंदर रखा था थोड़ा सा मैंने वही कट कर दिया है फ्रेंड्स। तो आ जाइए, जिसे भी लंच करना है तो गर्मा गर्म छोले चावल तैयार हैं। तो अभी हो गया है शाम का टाइम, और लंच के बाद मैंने कुछ नहीं किया था, बर्तन वगैरह वैसे ही पड़े थे, किचन भी क्लीन नहीं किया था। तो अभी जा रही हूँ, सबसे पहले मैं करूँगी बर्तन साफ, बर्तन साफ़ करने के बाद करना है किचन क्लीन, उसके बाद धोने हैं मुझे थोड़े से कपड़े। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं अपना काम और धो लेते हैं बर्तन वगैरह। मिलती हूँ मैं आप लोगों से कुछ देर के बाद। रात का टाइम, और आ गई हूँ मैं अपने कपड़े फोल्ड करने के लिए, क्योंकि कपड़े धोए थे ना तो सूख गए थे, तो मैं साथ ही साथ फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि काम का क्या है, काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते, कब सुबह से शाम हो जाती है हम लोग का पता ही नहीं चलता है फ्रेंड्स। तो अभी वही कपड़े फोल्ड करने बैठ गई थी, तो मैं कहा चलिए अपना वीडियो है उसका एंड कर लेती हूँ। तो आज का जो वीडियो था यहीं तक का था फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा आप लोगों को। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग का एक लाइक हम लोग के लिए मोटिवेशन का काम करता है।
तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय।